सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो मैं लेकर आया हूँ आज फिर से महिंद्रा युवो टैग प्लस 585 DI फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर सीरीज। तो किसान भाइयों, सन 2024 का लेटेस्ट न्यू मॉडल। तो बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, क्या क्या बदलाव किए हैं कंपनी ने। तो किसान भाइयों, अगर डिजाइन की बात करें यहाँ पर, तो काफ़ी स्टाइलिश ट्रैक्टर देखने के लिए मिल जाता है। और अगर यहाँ पे हम अगर इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो सेम कार वाले ही फीचर्स इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर फ्रंट से बात की जाए, तो किसान भाइयों काफ़ी स्टाइलिश ट्रैक्टर देखने के लिए मिल जाता है। और सामने की तरफ महिंद्रा की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो ट्रैक्टर को काफ़ी और भी स्टाइलिश बनाती है। सामने की तरफ तेज़ रोशनी कार वाली काफ़ी बड़ी लाइट देखने के लिए मिल जाती हैं, और ब्लैक और सिल्वर कलर की ग्रिल में काफ़ी स्टाइलिश ट्रैक्टर को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इसकी फ्रंट एक्सल की बात करें, तो किसान भाइयों काफ़ी हैवी ड्यूटी फोर व्हील ड्राइव का फ्रंट एक्सल देखने के लिए मिल जाएगा। जो किसान भाई इसमें कंधेल वगैरह में भी चला सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत इतना मेंटेनेंस नहीं आता। काफ़ी महिंद्रा ने इस चीज़ का काफ़ी रख रखाव के साथ में ये ट्रैक्टर बनाया है। किसान भाइयों, अगर यहाँ पे बात करें साइड से, तो महिंद्रा युवो टैग प्लस 585 DI की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे नीचे की तरफ फोर व्हील ड्राइव का ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो काफ़ी स्टाइलिश बनाती है ट्रैक्टर। और यहाँ पे फ्रंट टायर का साइज़ की बात करें, तो 9/5/20 का फ्रंट टायर देखने के लिए मिल जाता है फोर व्हील ड्राइव का, जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया है कंपनी ने। और यहाँ पे आपको डुअल क्लच और फोर व्हील ड्राइव की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। 6,000 या 6 साल की वारंटी के साथ ये ट्रैक्टर आता है किसान भाइयों, जो काफ़ी अच्छी वारंटी दी है। अगर इंजन की बात करें, तो 4 सिलेंडर 49 HP का इसमें इंजन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इंजन CC की बात करें, तो किसान भाइयों 2980 CC का इसमें पावरफुल इंजन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इसकी न्यूटन मीटर टॉर्क की बात करें, 197 का न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे डीजल फिल्टर देखने के लिए मिल जाएगा। अपनी जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है, वो 2100 RPM पे करता है किसान भाइयों। सामने की तरफ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे टूल बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे किसान भाइयों सिंगल लिफ्टिंग पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन, और ये देख सकते हो जो कंपनी ने फोर व्हील ड्राइव की शाफ्ट दी है, वो काफ़ी मजबूती के साथ और काफ़ी सपोर्ट के साथ में दी है, जो हमारे किसान भाई पानी या कंधेल वगैरह में चला सकते हैं। कोई भी रखरखाव इसमें कम मेंटेनेंस के साथ में ट्रक आता है। किसान भाइयों चौको टाइप का इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है सामने की तरफ, और काफ़ी स्टाइलिश मडगार्ड देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर बात करें किसान भाइयों ट्रांसमिशन की, तो कुछ इस तरीके का व्यू देखने के लिए मिल जाता है। ट्रैक्टर के अगर ऊपर चढ़ के बात की जाए, तो किसान भाइयों कुछ इस तरीके का व्यू देखने के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी स्टाइलिश ट्रैक्टर ऊपर से बैठने में लगता है। अगर यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी स्टाइलिश, और काफ़ी यहाँ पे अगर बैठ के बात करें सीट पे, तो काफ़ी स्टाइलिश कार की तरह ही सेम लुक निकल के देगा आपके लिए। और यहाँ पे पावर स्टीयरिंग का काफ़ी छोटा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, महिंद्रा की ब्रांडिंग के साथ में स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाता है। डिजिटल डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है, जो किसान भाई को हमारी तरह तरह की जानकारी इसमें से मिल जाती है। यहाँ पे अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, तो 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जो ट्रैक्टर के हिसाब से काफ़ी अच्छा फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। सामने की तरफ हैंड रेस देखने के लिए मिल जाती है, और साइड इंडिकेटर और हॉर्न और हेडलाइट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। बैक लाइट का ये इस साइड में ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे 12 वोल्ट की चार्जिंग के साथ में आता है, और सामने की तरफ पार्किंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। और अपने इंजन को यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर बात करें इसकी क्लच की, तो सिंगल टाइप की क्लच देखने के लिए मिल जाएगी, और ऑयल इमर्स ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर गियर की बात, तो 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स के साथ में आता है, लो हाई मीडियम का इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल मिला के 15 गियर के साथ में ट्रैक्टर आता है किसान भाइयों। यहाँ पे बात करें, तो नीचे की तरफ फोर व्हील ड्राइव का गियर देखने के लिए मिल जाएगा, फोर व्हील और टू व्हील ड्राइव का।
पीटीओ का लीवर देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ पे किसान भाई बात करें इस साइड से तो पीसीडीसी दोनों लीवर देखने के लिए मिल जाते हैं, और नीचे की तरफ पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन लीवर देखने के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी जगह पे कंपनी ने दे रखा है। यहाँ पे किसान भाइयों ऑक्जिलरी वाल्व का लीवर देखने के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन कंपनी ने दे रखे हैं। बात करें इसकी इस साइड से तो किसान भाइयों काफ़ी कार की तरह ही सेम डिज़ाइन वाला ट्रैक्टर देखने के लिए मिल जाता है। पीछे से बात करें तो कुछ इस तरीके का व्यू देखने के लिए मिल जाएगा। सामने की तरफ चौको टाइप का इंडिकेटर और काफ़ी स्टाइलिश मडगार्ड देखने के लिए मिल जाते हैं। ये देख सकते हो काफ़ी स्टाइलिश मडगार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। चौको टाइप का छोटा ही प्रोवाइड किया है ट्रैक्टर में। किसान भाइयों काफ़ी स्टाइलिश पीछे की तरफ से काफ़ी स्टाइलिश देखने के लिए मिल जाता है। सामने की तरफ रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी जगह पर प्रोवाइड किया है कंपनी ने। यहाँ पर बात करें तो अपने एम्प्लीमेंट वगैरह में हमारे किसान भाई यहाँ से लाइट ले जा सकते हैं, और पानी बोतल रखने के लिए ऑप्शन दे रखा है कंपनी ने रिफ्लेक्टर के अंदर की साइड। डबल ऑक्जिलरी वाल्व के साथ ट्रैक्टर आता है, पॉइंटिंग सेंसिंग के साथ में देखने के लिए मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छी। और यहाँ पर अगर पीडीओ पावर की बात करें 45.4 HP की पीडीओ पावर देखने के लिए मिल जाएगी, और हमारे किसान भाई एडजस्टिंग हुक देखने के लिए मिल जाएगा, जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो 1700 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है, जो भारी से भारी इम्प्लीमेंट को उठाने में काफ़ी मदद करती है। चौकोर गोल्ड टाइप की हेलोजन टाइप की लाइट देखने के लिए मिल जाएगी। चौकोर टाइप का साइड में इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा, जो काफ़ी स्टाइलिश देखने के लिए मिल जाता है। किसान भाइयों ट्रैक्टर में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा, काफ़ी स्टाइलिश ट्रैक्टर देखने के लिए मिल जाएगा। सीएट कंपनी का अगर वैकटाइड साइज की बात करें तो सीएट कंपनी का 14928 का वैकटाइड देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बैटरी बॉक्स की बात करें तो काफ़ी बड़ा बैटरी बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, जो काफ़ी बड़ी बैटरी आती है। किसान भाइयों हाइड्रोलिक फिल्टर देख सकते हो, काफ़ी बड़ा हाइड्रोलिक फिल्टर देखने के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी लंबे टाइम तक मदद करता है। यहाँ पे बात करें तो ब्लैक कलर की ग्रिल के साथ में काफ़ी साइलेंसर पे ग्रिल लगी हुई मिल जाती है हमारे किसान भाई को, जो जरने का ख़तरा नहीं रहता, काफ़ी मदद करता है ये। और यहाँ पे हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग का दोनों का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा पंप का। यहाँ पे किसान भाइयों काफ़ी अच्छी पंप दी गई है, और छोटा ऑयल फिल्टर देखने के लिए मिल जाएगा, जो ट्रैक्टर के हिसाब से कंपनी ने काफ़ी अच्छी ऑप्शन दे रखे हैं फीचर्स। यहाँ पे हमारे किसान भाई अपने इंजन में ऑयल चेक कर सकते हैं। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाता है, जो कम मेंटेनेंस के साथ में कम रख रखाव वाला पावर स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाएगा ट्रैक्टर में। और यहाँ पे फोर व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन कम रखाव वाला ही देखने के लिए मिल जाता है। अल्टरनेटर की बात करें तो 12 वोल्ट 36 एम्पियर का अल्टरनेटर देखने के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी जल्दी बैटरी को चार्ज करने में मदद करता है। किसान भाइयों आज के लिए था महिंद्रा ट्रैक्टर के बारे में इतना ही। अगर इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो एक्स शोरूम कीमत देखने के लिए मिल जाएगी 780,000 से 820,000 के बीच में ट्रैक्टर एक्स शोरूम देखने के लिए मिल जाएगा, जो स्टेट बाई स्टेट के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।